हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ हिंदी में निबंध कैसे लिखना है। यदि निबंध नहीं आ रहा है तब कैसे लिखेंगे, बहुत ही सरल एवं सटीक तरीका बताएंगे कि निबंध को लिखते समय कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। यदि आप 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपके 7 नंबर एकदम बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, निबंध में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। हम आपको निबंध लिखने का ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप किसी भी निबंध को आसानी से लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर सबसे पहले आप कॉपी में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 29 का पांचवा नंबर कर रहे हैं तो पांचवा लिखेंगे। जिस निबंध को आप कर रहे हैं उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। मान लीजिए पांचवा नंबर है तो आतंकवाद कारण एवं निवारण, उसके बाद आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले लिखा जाता है रूपरेखा। रूपरेखा में वही लिखा जाता है जो आप जितने हेडिंग डालेंगे आप सभी को इसमें लिख देंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना लिखेंगे। कोई भी निबंध लिखेंगे प्रस्तावना और उपसंहार कामन होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे आतंकवाद का अर्थ। यदि पर्यावरण पर लिख रहे हैं तो पर्यावरण का अर्थ आप इसी तरह से बनाकर लिख सकते हैं। तीसरा नंबर लिखेंगे आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या। चौथा नंबर लिखेंगे भारत में आतंकवाद। पांचवा नंबर डालेंगे आतंकवाद के विविध रूप। उसके बाद छठा नंबर डालेंगे आतंकवाद का समाधान। उसके बाद लास्ट और सबसे अंतिम हेडिंग जो डालते हैं उपसंहार का डालते हैं। कैसे लिखना है और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, चलिए आइए देखते हैं। हम आपको ऐसे निबंध को बता रहे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वायरल यह निबंध है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले आप प्रस्तावना का हेडिंग डालेंगे पहला नंबर। जो जो आप रूपरेखा में लिखे रहेंगे उसको आप क्रम से करते चले जाएंगे। प्रस्तावना में लिखेंगे मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके सामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है, फैलाने वाला आतंकवादी का। इसी तरह से किसी भी टॉपिक पर लिखेंगे तो आप उसके बारे में पहला बताएंगे कि क्या होता है। दूसरा नंबर आप हेडिंग डालेंगे आतंकवाद का। लिखेंगे आतंक प्लस वाद से बने शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आतंक का अर्थ होता है कि पीड़ा, डर, आशंका, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग विश्वास रखते हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं निबंध कैसे लिखना है। यह वीडियो आप एक या दो बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको वैसे ही आपको याद हो जाएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। उसके बारे में आप बताएंगे कि समाज में आतंकवाद कैसे फैला हुआ है। आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रियाएं हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याएं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रकृति ने विकराल रूप ले लिया है। इसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और तेजी आएगी। उसके बाद आप चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे भारत में आतंकवाद। स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई जा रही है। उन्हें बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है और इतना आतंक फैलाया है कि अनेक अधिकारी ने सेवा से त्याग पत्र दे दिया है। आप इसी तरह से लिखेंगे। पांचवा नंबर हेडिंग डालेंगे आतंकवाद के विविध रूप। उसके बाद बताएंगे कि आतंकवाद के कितने रूप हैं। भारत में आतंकवादी गतिविधियां निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया है और आतंकवाद को निम्न तीन भागों में बांटा गया है। कौन से वो भाग है? पहला नंबर है कि समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग थलग करके और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने की गई हिंसा। दूसरा नंबर, ऐसी ही कोई कार्य जिसमें ज्वलनशील बम तथा आग्नेय शस्त्रों का
प्रयोग किया गया हो। तीसरा नंबर, ऐसी हिंसात्मक कार्यवाही जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए हो। आप इसी तरह से एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखेंगे। छठा नंबर हेडिंग डालेंगे आतंकवाद का समाधान। भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी है। तीसरे, आतंकवाद की महिमा मंडलित करने वाले युवकों ने की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। यदि संबंधित पक्ष इन बातों को ईमानदारी से पालन करे तो इस महारोग से मुक्ति संभव है। सातवां नंबर हेडिंग डालेंगे, सबसे लास्ट हेडिंग यही डालते हैं, कोई भी हम निबंध लिखेंगे उपसंहार का। इसमें आप लिखेंगे, यह एक विडंबना है कि महावीर बुद्ध गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गया है। देश के 125 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन पर अंग मान लिया है। आतंकवाद का संपूर्णता से अंकुश लगाकर इच्छुक सरकार को अपने प्रशासनिक तंत्र को भी बदलने पर विचार करना चाहिए। जो इस कानून पर अमल करता है तब ही इस समस्या का अस्थायी समाधान निकल पाएगा। आप इसी तरह से निबंध को लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे 7 में 7 नंबर दे देगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।